Hello children, my name is Reena Shah and I am taking your SSC subject Social Science. Welcome to Swastik Academy's online classes. Before we start our lessons, I hope that you all are okay at home in surviving during this pandemic. I hope you are following all the safety procedure that your parents or guardians suggest to you. I hope that you are keep washing your hands, I hope that you are wearing your mask, and I hope that you are keeping the social distances. During this lockdown situation, we have started this online classes, so you can keep up in your studies. So I'll be taking your SSC subject, social science subject, and today we are going to study the chapter number 1. Before we go into study chapter number 1, it is very necessary for you guys to have a physical book ready with you. You can ask the student who have passed down 6th standard previously. You can borrow the books from them. If you can't find a book from them, then you can always download the textbook from GSEB website. Go to the GSEB website, select English medium, select your standard, select your subject, and you can download the book from there. It is necessary to have a physical book ready with you so you can understand the lesson better. Now let's start chapter number 1, that is sources of history. Sources of history, sources yani वो चीज़ हमें जहाँ से मिलती है. फॉर एग्जाम्पल सोर्सेज ऑफ वाटर, वॉट आर द सोर्सेज ऑफ वाटर? ऑफकोर्स वेल, रिवर, रेन. सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ वाटर. सो वॉट आर द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री? वेर डू वी गेट द हिस्ट्री फ्रॉम? वॉट इज हिस्ट्री? अब सबको पता है कि हिस्ट्री सब्जेक्ट है, पर हिस्ट्री सब्जेक्ट क्या है मैडम, पढ़ना क्यों जरूरी है? हिस्ट्री इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट आई वुड से. वाई? So let's move to our introduction part. What is history? History क्या है आपको पता है? अभी अभी जैसे कि ये कोरोना वायरस चल रहा है, चीन हमारे साथ अभी बॉर्डर पे काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो ये सारी जो न्यूज़ है वो अखबारों में छपती है, मैगजीन्स में छपती है, फिर ये मैगजीन्स या अखबार पुराने हो जाते हैं. आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 100 साल बाद कोई वही अखबार खोल कर देखेगा तो उसे समझ में आएगा, अच्छा उस समय ऐसा ऐसा हुआ था, अच्छा उस समय कोरोना नाम का वायरस आया था. तो ये सब उस जमाने के लोगों के लिए हिस्ट्री बन गया. उसी तरह हमारे लिए हिस्ट्री क्या है? तो पहले के समय
डिवाइड एंड रूल, हिंदू मुसलमान को लड़ा के चले गए, डिवाइड एंड रूल वाली नीति उन्होंने अपनाई थी। आज हमें पता है कि अब फिर से अगर अंग्रेज आएगा और डिवाइड एंड रूल नीति अपनाएगा तो हम नहीं मानेंगे। क्यों? हम हमारी हिस्ट्री से सीख चुके हैं कि हमें ये गलती दोबारा दोहरानी नहीं है। तो ये है हिस्ट्री, ये हिस्ट्री हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट। तो अब ये हिस्ट्री हमें मिलेगी कहाँ से? जैसे कि मैंने पहले बताया कि एक्सकेवेशन के दौरान बहुत सारे उनके लिखावट, न्यूज़पेपर फॉर एग्जांपल मैंने कहा, उनकी किताबें, उनके वेसल्स, उनके टूल्स, उनके ड्राइंग्स केव्स पे बनाते थे प्रिमिटिव मैन। तो ये सब चीज़ें जब हमें मिलती है तो उसे हम हिस्ट्री के तौर पर इकट्ठा करने लगते हैं, और इकट्ठा करने के बाद हम अनुमान लगाते हैं कि उस समय की जिंदगी कैसी हुआ करती होगी। तो ये जो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री है, इस चैप्टर में आपको इसी के बारे में बताया गया है कि आपको हिस्ट्री के अलग अलग टुकड़े कहाँ से मिलते हैं, उनका इम्पोर्टेंस क्या है। आप सोचोगे कि पुरानी चीज़ें रद्दी है, 100 साल पुरानी कौन पढ़ेगा, नहीं, उसमें कई ऐसे राज छिपे हो सकते हैं जो आपकी आज की ज़िंदगी बेहतर बना दें। तो इसलिए ये हिस्ट्री, उसके अलग अलग सोर्सेज हमारे लिए उतने ही इम्पोर्टेंट है जितना कि मैथ, साइंस और इंग्लिश। सो लेट्स स्टडी, लेट्स स्टार्ट रीडिंग द लेसन। एज आई मेंशन अर्लियर, इट विल बी गुड इफ यू हैव अ फिजिक द बुक ready with you. Sources of history. You can see the different pictures here of the different types of things that we found during the excavation. Excavation yani khudai. The archaeologists. Archaeologists yani jo ye khudai karte hain aur jo ye purani cheezo ko samajhte hain, unke bare mein research karte hain. So archaeologists might have found all this different things. They might have collected them. They might have studied on them. They might have done lot of research on them, and then they say that this thing is antique and this is historical important. So these kind of things we found out. Now let's start the lesson. Early in the morning, you receive a newspaper which makes you aware of daily events and incidents. सुबह में आपको न्यूज़पेपर मिलता है, न्यूज़पेपर से आपको पता चलता है कि आज दुनिया में क्या हुआ, कोरोना के कितने केसेस बढ़ गए, कितने लोग रिकवर हो गए, चाइना ने क्या किया, इंडिया का रिएक्शन क्या रहा, कहाँ भूकंप आया, कहाँ सूर्य ग्रहण हुआ, सोलर एक्लिप्स हुआ ना 2 दिन पहले, सो ये सब चीज़ें कहाँ हुई, कैसे हुई, तो सारी इवेंट्स के बारे में हमें बताता है न्यूज़पेपर। आफ्टर सम टाइम्स दिस इवेंट्स बिकम द पास्ट, नेचुरल 10 दिन बाद ये चीज़ें क्या बन जाएगी, हमारे लिए पास्ट बन जाएगी। वी रिकॉल द डेट एंड टाइम व्हेन द सेम टाइप ऑफ इंसिडेंट हैपेंस, दोबारा हमें ये चीज़ कब याद आएगी, जब ऐसी कोई चीज़ भविष्य में होगी। फॉर एग्जाम्पल 2009 में अर्थक्वेक आया था गुजरात में, बहुत बड़ा, तो उस अर्थक्वेक को फिर याद किया फिर भूल गए। फिर जब अभी 4 दिन पहले वापस वहीं कच्छ भुज में अर्थक्वेक आया गुजरात में, तो हमने फिर से याद किया कि अच्छा 2009 में भी ऐसा अर्थक्वेक आया। सो वी रिकॉल दिस इवेंट्स इन फ्यूचर समटाइम्स। फोटोग्राफ्स एंड डिटेल इंफॉर्मेशन गिवन ऑफ द पास्ट इन द न्यूज़पेपर हेल्प अस टू नो अवर हिस्ट्री। न्यूज़पेपर में काफ़ी सारे फोटोग्राफ्स देकर इस इवेंट को बताया गया होता है, तो ये जो फोटोग्राफ्स वगैरह दिए जाते हैं, मान लो कोई ऐसा है इंसान जिसने न्यूज़पेपर तो मिल गया और उसे इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं आता, तो वो कैसे समझेगा कि क्या लिखा है, किसके बारे में लिखा है। पर अगर उसके बाजू में उसका फोटोग्राफ लगाया है तो वो तुरंत समझ लेगा कि अच्छा ये अर्थक्वेक की बात कर रहे हैं, अच्छा ये हरिकेन की बात कर रहे हैं, अच्छा ये सुनामी की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से
न्यूज़पेपर में फोटोग्राफ्स इसलिए देते हैं वो लोग ताकि जिन्हें पढ़ना लिखना भी नहीं आता वो भी अच्छे से इस फोटोग्राफ को देखकर रिलेट कर पाए। इन द अबव पेंटिंग यू कैन सी अ स्टैम्प एन आइटम अ स्टील अ सील यूटेंसिल्स वेसल्स एंड वेरियस अदर टूल्स। ऊपर के पिक्चर में आप देख रहे हैं आपको एक स्टैम्प दिखाई दे रहा है, एक आइडल यानी मूर्ति दिखाई दे रही है और सील सील यानी जो हम सील थप्पा लगाते हैं तो एक सील दिखाई दे रहा है यहाँ पे। यूटेंसिल्स बर्तन, वेसल्स अगेन बर्तन और वेरियस अदर टूल्स उनके औजार, ये सब आपको ऊपर वाले पिक्चर्स में दिखाई दे रहा है। We come to know history through such sources. हमें इन्हीं सारे sources से history के बारे में पता चलता है। It is necessary to have knowledge of the past to know and understand the present situation. अगर हमें आज की situation को समझना है, अगर आज हमें समझना है कि electricity कैसे generate हो गई, ये machines कैसे generate हो गए और ये कुकिंग कैसे जनरेट हो गया, हमें खाना बनाना कैसे सीखे, तो हमें हिस्ट्री जानना ज़रूरी है। हमें हिस्ट्री में जाएंगे तो पता चलेगा कि पहले व्हील की सर्च हुई थी, व्हील की वजह से ये मोटर्स वगैरह कार्ट वगैरह बने, कार्ट बने तो फिर ऑटोमेटिक कार्ट्स बने और आज इतने बड़े बड़े मशीन्स सिर्फ एक व्हील की बदौलत। तो अगर हमें प्रेजेंट अच्छे से जानना है तो इसके लिए हमें पास्ट को अच्छे से जानना ज़रूरी है। वी नो history of thousands of years from old or ancient building, fort, temple, stepwell and other sites. आजकल हमें history के बारे में जानना होता हम क्या करेंगे, हम बहुत सारे किले उन्होंने जो बनाए हैं, बहुत सारी ऐसी जगहें जो उन्होंने बनाई है जैसे कि ताजमहल है, लाल किला है, कुतुब मीनार है, ये सब हम देखने चले जाते हैं। वहाँ पर उन्होंने जो बिल्डिंग्स बनाई हैं वहाँ पर कुछ लिखावट होती है, उसे हम समझने की कोशिश करते हैं, उसे हम पढ़ते हैं, वहाँ पे काफ़ी सारी पेंटिंग्स होती हैं तो हम समझते हैं कि अच्छा गणेश जी की पेंटिंग है, मतलब उस समय भी लोग गणेश जी में मानते होंगे, तो इस तरह का अनुमान हम लगाते हैं। तो इस वक्त हमें हिस्ट्री ऐसी सारी चीज़ों से मिलती है। कौन कौन सी चीज़ों से मिलती है? पुरानी बिल्डिंग एंशियंट बिल्डिंग, पुरानी बिल्डिंग से फोर्ट्स यानी किले, टेम्पल्स यानी मंदिर, स्टेप वेल यानी रान की बाग है ना स्टेप वेल एंड अदर साइट्स और बाकी सारी ऐसी साइट्स। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी। चलिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। मेक अ स्क्रैप बुक ऑफ ओल्ड आर्टिकल पेंटिंग फोटोग्राफ्स गैदर फ्रॉम वेरियस न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन इन योर स्कूल और टाउन और विलेज लाइब्रेरी। आप एक अपनी खुद की एक स्क्रैप बुक बनाइए, पुराने पुराने फोटोज कलेक्ट कीजिए, उसमें लिखिए, उसके बारे में लिखिए, तो इस तरह से आपकी एक अच्छी स्क्रैप बुक रेडी हो जाएगी और जो एक हिस्ट्री बुक के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हेन कलेक्टिंग आर्टिकल्स फोटोग्राफ्स एंड पिक्चर्स ऑफ पेंटिंग वी गैदर हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। मैंने जैसे पहले ही बताया कि आप सिर्फ पिक्चर्स कलेक्ट नहीं करते हैं, आप सिर्फ फोटोग्राफ्स कलेक्ट नहीं करते हैं, आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करते हैं। मान लो आप ताजमहल का फोटो कलेक्ट कर रहे हो तो ताजमहल का फोटो काटते वक्त उसके बारे में जो लिखा होगा वो भी आपको जानने की इच्छा होगी कि ये किसने बनाया, कैसे बनाया होगा। उस समय तो ना मशीन्स थे, ना बड़ी बड़ी क्रेन्स थी, ना ये जेसीबी थी, तो ये इतनी इतनी बड़ी बड़ी इमारत इन लोगों ने कैसे बनाया, कितने वर्कर्स लगे होंगे, ऐसा तो कौन सा पत्थर इस्तेमाल किया जो आज भी काला नहीं हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे दिमाग में अराइज होते हैं, हम उसके बारे में जानते हैं और हम एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं, आप उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, आप एक्चुअली हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। यू माइट इवन नो सम पीपल हु हैव कलेक्शन ऑफ ओल्ड पेंटिंग्स फोटोग्राफ्स कॉइन्स स्टैम्प्स एंड रिटन इंफॉर्मेशन। आपके दादा दादी करते होंगे, शायद आपको पता होगा, मेरे दादा को बहुत शौक है पुराने पुराने सिक्के कलेक्ट करने का। फिर जब हम वैकेशन में उनके घर जाते थे तो वो लेके बैठ जाते थे और फिर दिखाते थे, देखो ये 2 पैसे, हम पहले 2 पैसे में इतने सारे सिंचने ले आते थे, ऐसे ऐसी हिस्ट्री बताएंगे हम, तो हम वो पैसों को
दो पैसे, पांच पैसे, दस पैसे, ये सब पुराने कॉइन्स कलेक्ट करने का उनका शौक है। उसी तरह किसी को पुराने पेंटिंग्स कलेक्ट करने का शौक होता है, किसी को स्टैम्प्स जो पोस्ट कार्ड पर हम चिपकाते हैं वो स्टैम्प कलेक्ट करने का शौक होता है। तो इस तरह से हर एक को अलग अलग शौक होते हैं। दिस ट्रेजर ऑफ इंफॉर्मेशन वॉज पास्ड ऑन अस अर्लियर बाय अर्लियर जनरेशन। ये इंफॉर्मेशन हमें कौन देता है? तो हमारी पहले की जनरेशन। जैसे मैंने कहा कि मेरे दादा को बहुत शौक था सिक्के इकट्ठे करने के, उन्होंने वो सिक्के का डब्बा जब वो मर गए तो मेरे पापा को दे दिया। मेरे पापा भी बोलते हैं ये तेरे दादा कलेक्ट करते थे, अब पापा जब नहीं रहेंगे तो वो मुझे दे देंगे, मैं शायद अपने बच्चों को। तो इस तरह से जनरेशन बाय जनरेशन, जनरेशन बाय जनरेशन ये जो इन्फॉर्मेशन है वो पास होती रहती है। अब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्जाम के लिए। इन दिसंबर 2000 मोस्ट ऑफ द न्यूज़पेपर हैज पब्लिश्ड वेरियस आर्टिकल्स विद फोटोग्राफ्स ऑन द इंसिडेंट एंड इवेंट ऑफ 20th सेंचुरी विच बिकम फेमस एज अ मिलेनियम गैलर। सो क्वेश्चन शायद इस तरह से आएगा, व्हाट इज मिलेनियम गैलर। सो यू हैव टू राइट डाउन द होल सेंटेंसेस कि दिसंबर 2000 में बहुत सारे न्यूज़पेपर ने बहुत सारे पिक्चर्स, आर्टिकल्स, फोटोग्राफ के साथ पब्लिश किए थे। बहुत सारे पुरानी इवेंट्स जो 20th सेंचुरी में हो गई उसके बारे में उन्होंने बहुत फोटोग्राफ्स छापे थे, बहुत आर्टिकल्स लिखे हुए थे। तो ये एक पूरा कलेक्शन बन गया, और जब ये कलेक्शन बन गया तो उसे मिलेनियम गैलरी का नाम दे दिया गया। तो व्हाट इज मिलेनियम गैलरी, आई होप यू अंडरस्टैंड। दिसंबर 2000 में न्यूज़पेपर वालों ने 20th सेंचुरी के इवेंट्स के बारे में बहुत सारे फोटोग्राफ्स और आर्टिकल्स छापे थे, और जब ये बहुत सारे आर्टिकल्स और बहुत सारे फोटोग्राफ्स हो गए तो ये इकट्ठे मिलकर एक कलेक्शन बन गया, और उस कलेक्शन को हमने नाम दे दिया मिलेनियम गैलरी। क्लियर? तो यहाँ तक हम पार्ट